गाड़ी पर रास्ता रोक के नहीं खड़ी होइए। संगम युगी कृष्ण को कहा गया है, संगम युगी कृष्ण जो है उसके लिए कहा जा सकता है, क्योंकि जो संगम युग में कृष्ण है वही संगम युगी नारायण बनता है, वही राम वाली आत्मा है। बाबा जो भी लक्ष्य देते हैं वो संगम युग का लक्ष्य देते हैं या सतयुग का लक्ष्य देते हैं? बाबा जो लक्ष्य देते हैं वो ऊंचे से ऊंची युग है संगम युग, और उसी का लक्ष्य देते हैं, उसी की बात बताते हैं, हिस्ट्री सतयुग की बताते हैं। लेकिन सतयुग ऊंचे से ऊंचा युग नहीं है प्राप्ति का, संगम युग प्राप्ति का ऊंचे से ऊंचा युग है, और जो ग्रेट ग्रेट उपाधि धारण करने वाला है वो भी संगम युग का है, पुरुषार्थ जीवन का नहीं है, सतयुग के फर्स्ट जन्म का नहीं है। जब पुरुषार्थ संपन्न होता है, सारा संसार हर धर्म की आत्मा पहचान लेती है उस ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को, उस समय की बात है। ठीक करने के बारे में है? एक बताया है ब्रह्मा बाप जगदम्बा, इलावा बाकी जो खाली है, तीन सीट फिक्स हुई है, ब्रह्मा फर्स्ट नंबर, ब्रह्मा सेकेंड नंबर बाप, और थर्ड नंबर जगदम्बा। इससे पहले भी बोला कि दो सीट फिक्स हुई है, दो तीन सीट क्लियर करके नहीं बताया, दो तीन सीट फिक्स हुई है, बाद में बोल दिया तीनों क्लियर कर दिया। इससे साबित ये हुआ कि जो ब्रह्मा है तो क्या बनता है, विष्णु बनता है, वो अव्वल नंबर हुआ, क्योंकि बाप बच्चे को आगे रखना चाहता है अपना नाम बाला करने के लिए या अपने को आगे रखना चाहता है, इसलिए पहले नाम ब्रह्मा का, दूसरे नंबर पर रखा बाप ने अपने को, और तीसरा नंबर जो बाद में डिक्लेयर हुआ वो है जगदम्बा। ब्रह्मा बाप जगदम्बा, ये जो तीन नंबर बता रहे हैं तो असल में दो है, ब्रह्मा बाप का तो अभी जो अब्जर्वेशन में आपने किया है वहाँ भी ब्रह्मा बाप होगा, एक अब्जर्वेशन और भी बोला है ब्रह्मा बाप। लौकिक दुनिया में कहते हैं माँ बाप, बाप माँ नहीं कहते, ऐसे ही अलौकिक ब्राह्मण परिवार में भी ये शब्द यूज हुआ है ब्रह्मा बाप, आगे माँ को रखा बाद में बाप को रखा। हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग, जो निवृत्ति मार्ग वाली आत्माएं होंगी वो एक को उठाएंगी, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम बच्चे उनको अलग अलग करेंगे और वो फिर मिल करके एक हो जाएंगे। तो अलग अलग कौन करेंगे, विदेशी या स्वदेशी? विदेशी अलग अलग कर देते हैं,
और जो स्वदेशी है वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं, वो फिर एक करेंगे। जो असली बच्चे होते हैं माँ के लिए, वो बाप को माँ को मिलाने की कोशिश करेंगे या उनमें झगड़ा करेंगे है? वो तो मिलाने की कोशिश करेंगे, और जो विदेशी होंगे वो क्या करेंगे? बस झगड़ा कराते। ये तो ब्राह्मण परिवार की ही नहीं, सारी दुनिया की प्रैक्टिकल बात है। ये सिख पर अश्विन ने बताया है, दो सिख सिख हुआ है और सिंह चार से खाली है। ये फिर बताया अष्ट देवों के लिए, वो तीन सीट है, सबसे ऊपर की, फिर मीडियम की, फिर नीचे वाली। जो तीन सीट है वो तीन मूर्तियों के लिए है, वो तीन मूर्तियां तीन देवताएं सिर्फ संगम युग के हैं। और जो आठ है या 108 है, 1008 है या 16108 है या 9 लाख है, वो सब है 84 जन्मों के लिए। भक्ति मार्ग में उनका गायन होगा। तो तीन जो बताए हैं उनके ग्रेड से हैं, एक है ऊंचे ऊंचे, दूसरा है मीडियम में बीच में, और तीसरा है निचला। जैसे धार के तीन ग्रुप है, तना राइट साइड के और लेफ्ट साइड के, सारा धार तीन वर्गों में बटा हुआ है। बाकी जो आठ में से दो हैं वो अष्ट देवों के लिए क्लियर किए गए। और बाबा इस संसार का इतना आत्मा, सारी आत्मा तो परम नम जाएगी पवित्र बन के, तो थोड़ा समय में पवित्र का पुरुषार्थ करके पवित्र बन सकेंगे? जो लास्ट कीड़ा मकोड़ा जैसा आएगा, ऐसे पतंगे रात में आते हैं और सवेरे को मर जाते हैं, तो उनको सारी दुनिया का याद करने वाली आत्माओं का संगठन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्मा है सब बाप को पहचान चुकी होंगी, उस लास्ट वाली आत्मा को निश्चय दिलाने के लिए। तो निश्चय पक्का होगा या कच्चा होगा? अभी तो एक ज्ञान समझता है, संदेश लेता है, कोर्स लेता है, भट्टी करता है, और दूसरे उस स्थान में कचरा भर देते हैं। और वो लास्ट वाली जो आत्मा होगी, भले कीड़े मिसल होगी, लेकिन सारी दुनिया उस समय बाप को पहचाने हुई वायुमंडल वाली होगी। तो लास्ट तो खास पुरुषार्थ करके आगे जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। जो 68 में स्कूल में आया, माया पकड़ा लेकर खुशी में जाने से माया पकड़ा, 68 में क्या आया? खुशी में आया, खुशी में जाने से माया पकड़ ले, खुशी में रहने से, खुशी में रहने से माया पकड़ लेगी। कौन बोलता है? मूवी में 22 जून 1968। बोला जितना तुम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे, पुरुषार्थ करते जाएंगे, उतना भी माया भी तुमको गिलाने के लिए। अरे ये खुशी की बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। और खुशी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है माया की खुशी, विकारों की खुशी, विकारी जीवन की भी खुशी होती है अल्पकाल की, उसका रिजल्ट जैसा आप बता रहे हैं वैसा होगा। और एक है ईश्वरीय खुमारी की खुशी, उसके ऊपर माया वार नहीं कर पाती है।
आपने खुद ने कायम पकड़ लिया है। हाँ जी नहीं पाए पकड़ेगा आगे किसी ने माया पकड़ेगा। सुनाया है अर्जुन ने समस्त कुरु सेना को सम्मोहन अस्त्र प्रयोग करके बेहोश कर दिया। ये सम्मोहन अस्त्र क्या है? सम माने संपूर्ण और मोहन माने मोह लिया। जैसे कभी कभी याद में ये अनुभव किया होगा कि संगठित याद में ऐसा वायुमंडल बन जाता है कि बाप की याद के अलावा और कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे ही वो याद का एक अस्त्र है जो साप की बुद्धि को आप समान बना देता है। जैसे विवेकानंद का मिसाल देते हैं अमेरिका में, भाषण करते समय उन्होंने सबकी बुद्धि को ऐसा आकर्षित किया कि एक तरफ भाग खड़े हुए अचानक और सारी पब्लिक उनके पीछे भागने लगी। ये एकाग्रता की स्थिति है जो संपूर्ण रूप से आकर्षित करती है। इक्कीस बारह दो हजार आठ की अब्जेक्ट पानी में अभी हुआ बहुत पृष्ठ छह में है। कच्चे को चुहिया खाई जाती है, कच्चे को चुहिया खाई जाती है। हाँ जी, कच्चे कौन है चुहिया कौन है? जैसे आम है, आम पकने से पहले ही चिड़िया उसमें चोंच मारती है। फल तो खंडित हो गया ना। ऐसे ही यहाँ ब्राह्मण जीवन में भी चाहे मेल पुरुषार्थी हो चाहे फीमेल पुरुषार्थी हो, अगर कच्चापन है तो दूसरों से प्रभाव से प्रभावित होगा, अगर पक्का है तो किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं हो सकता। याद फ्लैशलाइट देना है और आह्वान जाना है तो फर्क का याद देना, याद करना फ्लैशलाइट देना और आह्वान जाना, इसका फर्क क्या है? आह्वान किया जाता है आत्माओं को, जैसे ब्रह्मा बाबा का आवाहन करते हैं, जो भूत प्रेतों का आवाहन करने वाले औलिया होते हैं वो भूत प्रेतों का आवाहन करते हैं किसी के शरीर में। लेकिन याद जो है वो सिर्फ एक बाप की है, उसको आवाहन करने की बात नहीं है। और वो आह्वान करने से आता भी नहीं है। ये अंतर है। 18 जनवरी को वो ब्राह्मण लोग स्पेशल याद में बैठते हैं, तो याद में बैठते हैं या आह्वान में बैठते हैं? आह्वान करते हैं। बाबा जब फ्लैशलाइट देते हैं, बाबा ने कहा जब किसी को आत्मा को पहले वो शरीर से याद करना, इसके बाद बाबा के साथ फ्लैशलाइट देना उस आत्मा को और आह्वान जाना, आह्वान जाना वो कैसे होगा बाबा?
जी को सर्चलाइट दी जाती है। हम दूर बैठे भी एक स्थान पर बैठे बैठे उस आत्मा को पावर दे सकते हैं बाप की याद की। और आह्वान करने का मतलब है उसको प्रैक्टिकल साकारी शरीर से उस आत्मा को नजदीक बुलाना, वो है आह्वान। जैसे ब्रह्मा बाबा की सोल को गुलजार दादी में नजदीक बुलाया जाता है, ऐसे ही अभी एडवांस पार्टी को ऑर्डर दिया विजय माला का आह्वान करो। तो विजय माला तो शहद की मक्खियों का संगठन है और मक्खियों के संगठन को आह्वान करने के लिए सारी मक्खियों का आह्वान करना जरूरी है या सिर्फ एक रानी मक्खी का आह्वान करना जरूरी है? रानी मक्खी का आह्वान किया तो पीछे पीछे सारा ही विजय माला तो सही आवाहन आह्वान हो जाएगा। लेकिन जैसे आह्वान करके हम तो जानते नहीं उस शरीर का और ब्रह्मा कुमारियों को जानते हैं। त्रेसठ जन्म हिसाब किताब कम है लगता है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। जिनका 63 जन्मों का राम कृष्ण और उनकी सहयोगी शक्तियों के साथ ज्यादा हिसाब किताब होगा अनेक जन्मों का, वो ऐसे कहेंगे कि हम जानते नहीं है। ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को जानेंगी या नहीं जानेंगी? जो अभी नई नई सरेंडर हो रही है, जो ब्रह्मा बाबा को कभी देखा ही नहीं है, जरूर जानेंगे। इसका मतलब तकनीकी आत्मा के साथ उनका जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब है। ऐसे नहीं बोलना आप सभी। हाँ जी, दो आह्वान में थोड़ा सा फर्क पड़ा। पहला हुआ वो भूत को आह्वान और दूसरा हुआ वो तो जिंदा को। एक होता है अंतर्वाहक शरीर से काम करने वाले, शरीर में बैठे लेकिन अंतर्वाहक शरीर जो है चित्त है वो बाहर सर्विस में निकल जाता है जैसे स्वप्न में। तो साकार शरीर से बैठे हुए का भी आह्वान किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया है साकार में उनका ही आह्वान हो सकता है। बाबा तो जैसे गोता में लिखना है का आह्वान किया तो शक्ति तो वो कैसे आह्वान करेंगे? गोता में लिखना है ना पॉइंट है शक्तियों का आह्वान किया तो वो शक्तियों का जो अष्टशक्ति वो अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति कौन सी गुण की कमी है। जिस गुण की जिस शक्ति की कमी है उसको अमर से बेले बैठ करके पक्का करना है कि आज सारा दिन इस स्वयं शक्ति के लिए अथवा इस अमुक गुण को धारण करने के लिए जो भी परीक्षा सामने आवेगी हम उसमें पास होकर के दिखा देंगे। यह गुण और शक्ति का आवाहन करना तो अलग है ना? वो तो ठीक है। जैसे बाबा ने बोला वफादारी ईमानदारी परमानबद्धारी अज्ञाकारी वो तो गुण में ही है। बाबा बोला पवित्रता वो भी गुण है लेकिन अस्त्र शक्ति अलग है। कहना क्या चाहते हैं ना पूछना क्या है? गुण और शक्तियाँ ये दो एक जैसा लगता है। एक जैसा क्यों लगता है? फर्क क्या? अरे शक्ति जो है वो पावर है और गुण को पावर नहीं कहेंगे। गुण संग का रंग चाहता है और शक्ति बाबा की याद में रह करके आप उसको शक्ति दे सकते हैं। याद में शक्तियां समाई हुई है और गुणों को तो धारण करना पड़ता है। दिव्य गुणों की धारणा जीवन में
प्रैक्टिस में लानी पड़ती है। बाबा मानव में जो एडवांस पार्टिकल जो आत्मा वो सब जाता है वो तो जिंदा रहेगा, और मानव में जो लोकल आत्मा है विनाश के टाइम में उसका क्या होगा? वो तो भाग रहे हैं, वो तो जहाँ वो तो जो बैठे हुए हैं वो भी भाग रहे हैं, और जो छोड़ के चले गए वो तो जा ही रहे हैं, उन्हें वहाँ के महत्व का पता ही नहीं है। अच्छा बाबा, और आत्मा के आदि में एक आत्मा एक तरफ और सभी आत्मा एक तरफ ब्रह्मा बाबा सिंध हैदराबाद में जब झगड़ा हुआ था तो छोड़ करके कराची के समंदर के किनारे के महल में भाग गए थे या ठहर गए थे? अम्मा क्या करती है जब जोर से झगड़ा होता है, मारा मारी शुरू होती है तो अम्मा भागती है कि बाप भागता है? अम्मा भागती है। अभी भी एडवांस पार्टी में क्या हुआ? 98 में जोर से एडवांस पार्टी के अंदर झगड़ा शुरू हो गया, कौन डटा रहा और कौन भागा है? जो आज में सो ही अंत में होता है। बाबा भीष्म पितामह का जो चरित्र दिखाया महाभारत में तो प्रैक्टिकल में तो कोई चरित्र करने वाले कोई व्यक्ति होगा ना? हाँ जी। तो चरित्र किसका पार्ट है, कौन सी आत्मा? भीष्म पितामह से उन्होंने प्रैक्टिकल में सहयोग किसको दिया? कौरवों को सहयोग दिया, कौरवों का नमक खाया, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी भीष्म पितामह का पार्ट बजाने वाली चाहे बीज रूप आत्मा हो और चाहे आधारभूत आत्माएं हो, कौरवों का ही साथ देने वाली होंगी प्रैक्टिकल जीवन में। दिल भले पांडवों की तरफ तिरकता हो, बाबा वास्तुदेव इसमें तीन आत्मा को मतलब विधो भी है, एक इस्लाम भौतिक और क्रिश्चन, लेकिन कौन रुका हुआ? वो तो खत्म ही हो जाता है, उसके राज्य का जब तक नंबर आता है तब तक विनाश शुरू। वो क्या मिलेगा? वो तो कुपराज है, कुपराज की कोई वैल्यू नहीं होती। और नहीं तो कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, 2-5 साल के लिए गद्दी मिलती है ना। हाँ, जम्मू में जो वैष्णो देवी का मंदिर दिखा है खेल के एक बात पूरी होने दो, शेरनी शक्ति की सवारी शेर के ऊपर क्यों दिखाई जाती है, ये प्रश्न आया। ऐसी भी शक्ति है जिसकी गधे के ऊपर सवारी है, ऐसी भी शक्ति है जिसकी उल्लू के ऊपर सवारी है, एक ऐसी भी शक्ति है जो मगरमच्छ के ऊपर सवारी दिखाई जाती है, लेकिन जो शेर के ऊपर शक्ति दिखाई गई है उनमें भी दो प्रकार की है,
एक है सिंह वाहिनी और दूसरी है कादंबरी बाघ के ऊपर सवारी वाली। तो बात हो रही है सिंह वाहिनी की। जंगल का राजा शेर होता है। क्या शेरनी शेर के ऊपर जबरदस्ती कंट्रोल कर सकती है? जबरदस्ती कंट्रोल करना चाहे तो शेर कंट्रोल में नहीं आवेगा, और प्यार से कंट्रोल करना चाहे तो शेर ही शेर के ऊपर भी सवार हो जाती है। ये तो जो जो युगल है, युगल जीवन जिन्होंने व्यतीत किया है, वो इन बातों को अच्छी रीति जानते हैं। समझने की बात है, नहीं समझने की बात है। हाँ जी बात सही बोले भाई, खतरा है क्या समझना ही। बाबा मनुष्य आत्मा जैसा परमधाम शुरू करती है, उसी पक्ष की आत्मा भी परमधाम शुरू करती है। तो दोनों का परमधाम एक ही होगा ना अलग अलग होता है? बुद्धि का फर्क होता है दोनों में या नहीं? जानवरों के मुकाबले कीड़े मकोड़ों की भी आत्मा परमधाम से उतरती है। तो कीड़े मकोड़ों में, जानवरों में और मनुष्यों में बुद्धि का अंतर है या नहीं? और फिर जो जड़त्वमयी पौधे हैं, पेड़ पौधे, उनकी भी एक जड़ काट दो तो ऊपर कुमलाने लगता है, माने उनको भी चैतन्यता है या नहीं? तो बुद्धि में अंतर है या नहीं? उनकी बुद्धि कीड़े मकोड़ों के मुकाबले भी ज्यादा जड़ है। तो जो आत्मा जितनी जड़त्वमयी बुद्धि वाली, उतनी ही परम धाम में पृथ्वी के नजदीक नजदीक होगी, और जितनी ही तीक्ष्ण बुद्धि होगी उतनी ही परम पिता गॉड फादर की तरह सबसे परे सी परे स्टेज में रहने वाली होगी, पृथ्वी के पांच तत्वों के आकर्षण से बिल्कुल दूर। प्रकृति भी वहाँ हलचल कुछ नहीं कर सकती, प्रकृति भी कुछ हलचल नहीं कर सकती वहाँ, प्रकृति से दूर है। छोटा नाम तो किसी को बोलने दो। हाँ। जी उसका बेहद का अर्थ ये है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या मांगने आते हैं बच्चे? धन दौलत मांगने आते हैं, रोटी दाल मांगने आते हैं, लड्डू पेड़ा मांगने आते हैं, क्या मांगने आते हैं? पांच विकार मांगने आते हैं, और ये पांच विकार जीवात्माओं में होते हैं, जो शरीर के साथ होती है यह सिर्फ आत्मा में होते हैं, जीवात्मा में होते हैं। तो भगवान बाप जब आते हैं तो गोदान जो देह के द्वारा मन बुद्धि रूपी आत्मा पांच विकारों को अर्पण कर देती है,
जिसके लिए मुरली में बोला है शरीर भी देह भी पूरा अर्पण करना पड़े, माने देह का या शरीर का कोई भी अंग ऐसा न रह जाए जो भगवान के प्रति पूरा अर्पण हुआ न हो। ये पांच विकारों में से जो मुख्य विकार है काम विकार, जो पांच विकारों का मुखिया है वो जब दान में दे दिया जाता है तो बाकी विकार स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। और ये विकार जिसे एक शक्ति ने दिया उस समय अव्यक्त वाणी में बोला गया कि कल त्रासी चल रहा है तो त्रासी में तेरा होना चाहिए ना, या कल त्रासी तक वो भी ब्रह्मा कुमारी सरेंडर नहीं हुई थी, ढेर सारी सरेंडर हुई थी और फिर रिजल्ट भी दे दिया अव्यक्त वाणी में। पंजाब की लड़की कन्यादान में सबसे आगे चली गई, इससे क्या साबित हुआ? क्या साबित हुआ? इस राशि से पहले सरेंडर होने वाला भी था नहीं कोई, और सरेंडर कराने वाला बाप भी पहले नहीं प्रत्यक्ष हुआ किसी को कि किसके प्रति अर्पण करना चाहिए। दासी में जो पहली शक्ति निकली उसका नाम पड़ता है जगदम्बा, वही अन्नपूर्ण है। अन्न कोई रोटी दाल को नहीं कहा जाता है, जैसे जल ज्ञान को कहा जाता है। जल से आत्मा को ताकत नहीं आती है, सिर्फ जल खाए हुए अन्न को पचाता है, लेकिन अन्न से ताकत आती है। वो दान परमात्मा बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप को पहले वो अन्नपूर्णा देती है, इसलिए चित्रों में दिखाया है कि शंकर झोली फैलाए खड़े हुए तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत दर्दे रे झोली जीत बनाई दिए। और कोई ने दान नहीं दिया और उस शक्ति ने दान दिया, जिसके पीछे पीछे हजारों अर्पण हो जाती है। वो तो बोलो मुरली में एक पॉइंट आया, जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म हुआ। ये बात दूसरे पर लागू होती है, दूसरे पर लागू होती है या एक पर लागू होती है? जब तुम्हारा कहते हैं बाप दादा तो लक्ष्य सिद्ध करने वाले के लिए बोला होगा, या जो लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता है उसके लिए बोला होगा? मुख्य किसके लिए बोला होगा? तो लक्ष्य सिद्ध करने वाली जो आत्मा है वो लक्ष्मी है या कोई दूसरा है? और पता कैसे करेंगे कि जिन मूर्ति और प्रतिष्ठित से कौन?
तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति तो स्वयं बाप ही हुआ। और बाप के साथ जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाली दूसरी मूर्ति है वो लक्ष्मी है। कोई लक्ष्य सिद्ध प्राप्त करती है जिनके लिए सन 67 में 67 में बोला गया कोई भी और कोई 25 वर्ष के हुए होंगे। अथवा जब पाकिस्तान बना हाँ तो तुम्हारा जन्म भी हुआ। तो 25 साल जब घटाए गए 67 में तो 82 आता है, वो तो बाप के लिए साबित होता है। हाँ, और जो 20 साल बोले हुए हैं वो 67 में से घटाए तो 47 आता है। हाँ जी, घर में मैंने बड़ी माता जी हुई है शरीर में और एक माताओं के छोटी माता हुई है तो उनकी मान्यता करनी चाहिए या नहीं, मगर वो दोनों के मतलब क्या हुआ? मतलब तो दुनिया में ही फिल्म में बता रहे हैं सास भी कभी बहू थी और वो अभी बहू भी कभी सास थी, ये तो हिसाब किताब होते ही रहते। पहले मुर्गी थी के पहले अंडा था। अरे इस जन्म में हम सास है तो प्रश्न पैदा होता है किसको सम्मान मिलना चाहिए। जोर तो बोलो ना, जो राम वाली आश्रम होता है उनको तो ज्ञान के आधार पर पता चलता है अपने पास का। और जो मछली बनने वाले जो आत्मा होता है उनको किस आधार पर पता चलता? अभी बताई, एक होती है भावना की बात दिल की बात और एक होती है बुद्धि की ज्ञान की बात। बाप दादा दिल वाला बाप है या बुद्धि वाला बाप है? बाप दादा है दिल वाला लेकिन बाप है बुद्धि वाला, तो बाप दादा को क्या पसंद है? दिल वाले बच्चे विशेष पसंद है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के बीच में भावना वाली है लक्ष्मी का दिल इतना साफ है कि जन्म जन्मांतर की प्यारी सी समाई हुई होने के कारण उसमें कोई भी दाग नहीं है। इसलिए ज्ञान तो 76 से शुरू हुआ कि पहले से है, 76 से शुरू होता है। बाप की पहचान 76 से पहले नहीं थी और भावना साक्षात्कार तो पहले से ही होते चले आए। वो लक्ष्मी वाली आत्मा त्रैसी के आधार पर जो साक्षात्कार होते थे उन साक्षात्कारों के आधार पर पहले से ही बहलती रही है। उसको तो बेसिक ज्ञान में आने के साथ ही ये पक्का निश्चय हो चुका कि मुझे लक्ष्मी बनना है। राम वाली आत्मा को तो 76 में निश्चय हुआ होगा, उससे तो पहले निश्चय होने के बात ही नहीं। चौथा नसीब के बारे में तो क्लियर नहीं हुआ, चौथा नसीब के बारे में क्या नहीं होता?
चैतन्य करुणा की आत्मा को देह अभिमान नहीं होता। अगर देह अभिमान नहीं होता है तो जो चैतन्य गंगा है उसको बाप की पहचान होने के बाद सरेंडर हो जाना चाहिए या नहीं? सरेंडर होती है, सन्यासी पहले सरेंडर होते हैं या बाद में सरेंडर होते हैं? तो ये अभिमान है या नहीं है? फिर वो एक पॉइंट कहाँ मिला, कैसे मिला, कभी सुनाना किसी नजदीक वाले को तो हम सुनेंगे। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसको देवान न होता हो। सब शूटिंग के चक्कर में चल रहे हैं अभी। गंगा होता है तब उसका पानी का तो नील नसीब होता है, ब्लू नसीब होता है। जब उसको भारत में वो पानी आ जाता है तब मिट्टी जैसे होता है। इसीलिए हम पूछना चाहते हैं कि हमने तो जानकारी दे चैतन्य गंगा का देवगन नहीं थे, इसलिए हम पूछना चाहते थे कि चैतन्य गंगा अगर देवगन नहीं थे तब भी क्यों मिट्टी जैसे की पानी हो गया? या माना चंद्र का कोई भी नदी जब पहाड़ से निकलती है तब उसका पानी ऊंचाई से निकलता है तो शुद्ध जल होता है, या जब सागर में मिलती है तब शुद्ध जल होता है, जब ऊपर से निकलती है तो शुद्ध होता है, ऊंची से तो शुद्ध जल है, और जब मैदान में आकर के मिट्टी से मिलती है, मैदानी मिट्टी से संग के रंग में आते आते फिर हर एक नदी गंदी हो जाती है, और खास करके जब बाढ़ का टाइम आता है तब तो और ही मेटमेलियम पानी हो जाता है। चौथा नष्टदत्त के बारे में तो क्लियर नहीं हुआ। चौथा नष्टदत्त के बारे में चौथा नष्टदेव के बारे में क्लियर होना जरूरी है। जब बता दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं, उसको क्लियर करो तो कोई फायदा नहीं, तुम ना करो तो कोई फायदा नहीं, वो तो मटिया मैच करने वाला है। यूथ ग्रुप, यूथ माने नौजवान, नौजवानों का ग्रुप, नौजवानों के लिए बोला है। नौजवान जो चाहे सो कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा पॉजिटिव करना चाहे वो भी कर सकते हैं, नई दुनिया बना सकते हैं, और निगेटिव बुरे से बुरा विध्वंस करना चाहे, आतंकवादी बनना चाहे वो भी बन सकते हैं। आज क्या कर रहे हैं बाहर की दुनिया में नौजवान? आतंकवादी ग्रुप में ज्यादा शामिल हो रहे हैं। हाँ, देता में चांदी का खाद पड़ता है, दापन में तामा का और कली में लोहा का, और छोटे जो का एक दिन का बाल से थोड़ा सा पला पंक्ति होते रहता है, छोटे जो का थोड़े समय बाद से तो पला कमति होते रहता है धीमी गति से, वो तो खाद तो पड़ता है और कौन चीज का खाद पड़ता है? सोना जो है वो भी कैरेट से गिना जाता है। हाँ जी, और कुछ जब 9 कैरेट रह जाता है तो कहते हैं कंजुगी बन गया। 24 कैरेट का 2 है, 0 कैरेट का, हाँ 0 कैरेट तक होता है, तो 0 कैरेट अंतिम जन्म के अंतिम क्षणों में जाकर
जीरो कैरेक्टर रह जाती है, क्योंकि दुनियावी संग का रंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सतयुग में कलाएं तो कम होती हैं, लेकिन जो भी आत्माएं ऊपर से उतरती हैं, वो ऐसी आत्माएं उतरती हैं जो सतयुगी नारायणी आत्माएं होते हुए भी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली है। ऊंच पद तो पाती है, लेकिन प्रभावित होने वाली आत्माएं हैं, इसलिए वहां कलाएं कम घटती होती है और त्रेता में ज्यादा घटती कला होती है। घटती कला होती है। कौन चीज का खाद पड़ती है? सोना जो है उसमें चांदी वाली आत्माएं जब ज्यादा बढ़ जाती है, या लोहे में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ज्यादा बढ़ जाती है, या तांबे में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ज्यादा बढ़ जाती है, वो है नहीं लोहा तांबा, लेकिन आगे चल के होने वाली है, तो वो भी अपना असर डालती है। और सत्तर तेता का संगम टाइम कितना टाइम, और वो टाइम में क्या होता है, और तेता दापर संगम टाइम कितना टाइम, दापर पुलिस संगम टाइम कितना टाइम? तो संगम जो हर युग का संगम होता है, हर दो युग का वो हर संगम जो हर युग में 50 वर्ष जुड़े हुए हैं, सत्युग में भी 1250 और त्रेता में भी 1250, सत्युग के भी 50 वर्ष और त्रेता के भी 50 वर्ष, सत्युग त्रेता का संग हो गया ऐसे ही हरि युग में। सीता का पाताल प्रवेश होता है, है? तो दिखाया है सीता का पाताल प्रवेश, उसका बिहार का अर्थ क्या? पाताल प्रवेश नहीं होता है, सीता पृथ्वी में समा जाती है, धरणी में समा जाती है, वो है ही माता। सीता माने ठंडी, सूर्य माने गर्म, द्यावा पृथ्वी कहा गया है वैदिक ऋचाओं में, तो सूर्य पिता है, धरणी माता है, और वो माता जहाँ से रूप धारण करती है गड़े से निकली मिट्टी में से, और मिट्टी में ही समा जाती है। चार धाम भगवान को तपस्या में दिखाया, रामेश्वर में चांद करने को दिखाया, पूरी में जगन्नाथ को भोजन करने को दिखाया, का है उसका नाम ही है दो वारी का क्या, दो अरिका, अरिका माने दो खंड, एक भारत खंड और दूसरा विदेशी खंड, दो खंड हो जाते हैं। भारत में किंक ने राज्य किया, जब राज्य किया तो भारतवासी अशांत हो गए, और जब किंकेन तो बाहर चले गए तो भारतवासियों को थोड़े समय के लिए जैसे चैन आ गया,
लेकिन वो क्या करके गए है? दो वारी का करके गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करके गए। तो शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। जो चंद्रवंशी कृष्ण वाली आत्मा है वो दो टुकड़े कर देती है, देसी और विदेशी, और उसका गायन भी द्वापर में होता है। नहीं तो वास्तव में कृष्ण कोई द्वापर में नहीं आता है, तब उनको चैन आता है। तो चैन की बंसी बजाते हुए आनंदमय द्वारिका में दिखाया हुआ है। आनंदम मंगलम भगवान विष्णु, अरे उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। किसकी? क्रिश्चियंस की। क्रिश्चियंस और कृष्ण की राशि बाबा ने मिलाई है। ये मिलाने का कारण क्या है? दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है। क्रिश्चियंस ने कृष्ण को फॉलो किया है और जगन्नाथपुरी में भोग दिखाया जाता है और भोग किस चीज का लगाया जाता है? चावल का भोग लगाते हैं। तो भगवान आता ही है, सारी दुनिया में जो देह अभिमान का छिलका चढ़ा हुआ है उन छिलकों को उतार देगा और आत्माओं को घर में ले जाएगा, खूब पका पका सिखाएगा। उनका ऊपर तो कोई भी अभिमित्र का व्यक्ति नहीं है। सीता माता के ऊपर, सीता माता के ऊपर अपवित्रता का लेप छेप नहीं होता है, या राधा के ऊपर लेप छेप नहीं होता है? दो शक्तियां हैं कृष्ण के साथ राधा और राम के साथ सीता। कौन लेप छेप में आती है और कौन लेप छेप में नहीं आती है? तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, लेकिन ये नहीं कहा तुम सब राधाएं हो। माने राधा एक ही होती है, उसको पार्वती कहा गया है, जो शंकर को भी पार लगाने वाली है। नहीं तो वो महाराज भी पार नहीं पाएंगे, लंगड़े के लंगड़े ही रहेंगे। राधा के लिए जो महत्व है प्योरिटी का, वो प्योरिटी का महत्व और किसी को नहीं दिया जा सकता। और मुरली ने बोला है राम सीता क्या हो गए? फेल हो गई। राधा के लिए नहीं बोला। लेकिन बाबा सीता वाली आत्मा ही तो संगम की राधा का पाठ बजाते हैं। राम के साथ जो सीता है, तुम सब सीताएं हो, सबके लिए बोला है। तो जब तुम सब सीताएं हो तो उसमें अब्बल नंबर सीता कौन है और द्वयम नंबर सीता कौन है? कहेंगे अब्बल नंबर सीता रामायण में उसे दिखाया है जिसके लिए बोला है कि मैं कांटों के जंगल में जा रहा हूँ दुख की दुनिया में,
रावण का विनाश करने के लिए, तब तक तुम पावक में करो निवास, तुम योगाग्नि में निवास करो और मैं रावण का विनाश करता हूँ। और द्वयम नंबर सीता की मूर्ति बना करके उसमें चैतन्य आत्मा को स्थापित कर दिया। दो नंबर की सीता है जिसको रावण उठा ले जाता है। विदेशी उठा ले जाते हैं, विदेशियों के प्रभाव में आ जाती है, राधा कंसी जरासिंधी के प्रभाव में नहीं आती है। बाबा अंतर्वाहक का और आह्वान और संकल्प, वो जो विश्व विश्व दादा हम जब सेवा में थे 85 में, तो उन्हें हम सेवा के लिए हमको बताए, तो हमारा संकल्प टाइपिंग हुआ तो जा करके वहाँ सेवा, तो हमको बताते हैं कि आप आ गया, हमारा संकल्प माने जो ई क्या है आप पहुँच गया, तो इसको क्या कहेंगे? कहाँ पहुँच गया? माने मधुबन में, माने हम सेवाधारी वहाँ माउंट आबू में, माउंट आबू में हाँ, उस समय हम सेवा में थे, 80 में हम ज्ञान में बेसिक में थे, हाँ ज्ञान में आया था, तो सेवा में वहाँ बुलाया विश्व विश्व दादा जो हाँ आपको हम बुलाया, हाँ विश्व उस ना 80 में विश्व विश्व दादा ना, वो जो सेवा के लिए जो जिनके ऊपर आनंद किशोर दादा, हाँ आनंद किशोर भाई वो बताया जो हाँ आप सेवा के लिए हम बुलाया था, आप तो हमारा संकल्प आपको शायद इसको आह्वान कहेंगे ना संकल्प कहेंगे ना माने जो आप जो बताया जो अब उनने आपका हाँ मुँह पर मक्खन लगाने के लिए बोल दिया। जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बोल देते हैं, यह सच्ची बात बोली ये तो एक अलग बात है, अलग, लेकिन संकल्प से भी किसी का आह्वान किया जा सकता है। जो बाप दादा ने बोला है कि विनय माला का आह्वान रामेश्वरम में जो स्नान दिखाया गया है वो रामेश्वरम भारत का दक्षिणी हिस्सा है, एक है उत्तर भारत और एक है दक्षिण भारत। उत्तर भारत भारत का असली वो हिस्सा है कि जब संपूर्ण विनाश होगा तो भी बचा रहेगा, और दक्षिण भारत समुद्र के गर्त में समा जाएगा। उसी तरह जैसे विदेश के देश समा जाते हैं, तो दक्षिण भारत हुआ विदेशियों की भूमि, उस हिसाब से ज्यादा विचार कहाँ फैलता है, विदेश में या भारत में? विदेश में, इसलिए उनको स्नान करके दिखाया गया। ज्यादा ज्ञान स्नान किसको करना पड़े जो ज्यादा पतित बने। स्वी माने विशेष और भू माने उत्पन्न होना, जो विशेष रूप से उत्पन्न हो जाए उसको कहते हैं विभु, उसका विभु रघु ऋषि रघु संगीता बनी है उससे।